नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स कुमार मित्तल बुक के अध्याय नंबर 18 तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत के न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 2 बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बताए गए थे, आज इसमें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है कि 1850 एंगस्ट्रॉम के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको यहाँ पर 1850 एंगस्ट्रॉम पराबैंगनी प्रकाश, तो यानी कि यहाँ पर ही आपको तरंग दैर्ध्य दी गई, यानी कि लेमडा का मान यहाँ पर आपको दिया गया है और आवृत्ति यहाँ पर ज्ञात करनी, यानी कि न्यू का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें लेमडा यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है 1850 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1850 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, तो ये मान मीटर में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को आवृत्ति ज्ञात करनी, यानी कि न्यू का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सूत्र होता है C बराबर न्यू लेमडा। तो जब यहाँ से हम लोग न्यू का मान ज्ञात करेंगे यानी कि आवृत्ति का, तो यहाँ पर लेमडा बट्टे में आ जाएगा, ये हो जाएगा C बट्टे लेमडा। अब इसमें यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा न्यू बराबर C, प्रकाश की चाल होती है, इसका मान होता है 3 × 10^8 बट्टे में यहाँ पर लेमडा दिया गया है, लेमडा का मान यहाँ पर हो जाएगा 1850 और गुणे में हो जाएगा 10^-10, ये इतना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें यहाँ पर 10^-10 दिया गया, जब ये ऊपर जाएगा यानी कि अंश में तो घात प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 10^8, यहाँ पर ये 10 और ये 8 मिलके यहाँ पर हो जाएगा 18 और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 1850, ये इस प्रकार से आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं न्यू बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10^18 दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसमें से 10^3 निकाल के यहाँ पर गुणा कर दीजिए, यानी कि ध्यान दीजिए 1, 2, 3, तो 10^3 जब यहाँ से आप बाहर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 10^15 और बट्टे में यहाँ पर दिया गया है 1850, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, पर ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसके बाद 300 को 185 से भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 1.62 और गुणे में हो जाएगा 10^15। आवृत्ति ज्ञात कर रहे थे तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है, ज्ञात कीजिए प्रकाश की आवृत्ति तथा जल में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तरंग दैर्ध्य दी गई है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये मान लेमडा का दिया गया है, और फिर बाद में बताया गया कि जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है कितनी हो गई 4500 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करनी है और दूसरा ज्ञात करना है जल में प्रकाश की चाल। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें हम लोगों को तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा, इसका मान दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको यहाँ पर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6000 × 10^-10 मीटर, ये इतना हो जाएगा यानी कि मीटर में बदल जाएगा। इसके अलावा बताया गया था कि इसी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो जल में, यानी कि जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो जाती है 4500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसको भी अगर आप बदलते हैं तो ये हो जाएगा 4500 × 10^-10 मीटर, ये इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है प्रकाश की आवृत्ति यानी कि न्यू का मान, इसके अलावा आपको दूसरा ज्ञात करना है जल में प्रकाश की चाल, आप लिख सकते हैं VW, इसका मतलब जल में प्रकाश की चाल। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवृत्ति ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे सी बटे लेमडा। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो सी प्रकाश की चाल है, इसका मान हो जाएगा 3 × 10^8, लेमडा का मान यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 6000 × 10^-10, इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें से यहाँ पर आप 10^3 या फिर आप 10^4 इसमें बाहर कर लीजिए, तो जब 10^4 यहाँ से हम लोग बाहर करेंगे तो 10^4 का गुणा जब इसमें किया जाएगा तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 0 लग जाएंगे और गुणे 10^ यहाँ पर बचेगा 4 और बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा 6000 और गुणे में 10^-10, तो यहाँ पर ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा 30 बट्टे में 6
और गुणे में ध्यान दीजिए, पर ये 10 की घात -10 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 और 4 मिल के हो जाएंगे 14। इसके बाद इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि ये आ जाएगा 5 × 10 की घात 14। आवृत्ति है इसलिए सेकेंड इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो जल में प्रकाश की चाल इसको लिखेंगे VW से, और सूत्र हो जाएगा न्यू, यहाँ पर हो जाएगा लेमडा W। इसमें यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो न्यू ये यहाँ पर आवृत्ति होगी, इसका मान अभी यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात किया है, यानी कि 5 × 10 की घात 14, ये इतना हो जाएगा। फिर गुड़े यहाँ पर लेमडा W, यानी कि यहाँ पर जल में तरंग दैर्ध्य, इसका मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4500, और गुणे में 10 की घात -10 इतना होगा, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा VW बराबर, ध्यान दीजिए इसका हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 0, इसके बाद 55 25, फिर 5 चौको 20 और 2 22, ये इतना आएगा। गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए 14 से यहाँ पर माइनस का 10 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4 इतना। इसके बाद VW बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव यहाँ पर इसमें लास्ट में माना जाएगा, तो दशमलव अगर यहाँ पर हम लोग एक अंक पे ले जाते हैं यानी कि मानक रूप में लिखते हैं, तो इसे लिखा जाएगा 2.25। अब घात ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव बाईं तरफ लाए हैं, तो यहाँ पर घात में 4 और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 2.25 × 10 की घात 8 चाल है इसलिए m/s, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि वायु में सोडियम के पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम है, इसकी आवृत्ति क्या है, इसकी उस कांच में तरंग दैर्ध्य क्या है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, और इसमें तीसरा दिया गया है कि भाग 1 तथा 2 के परिणामों से कांच में इसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पहला दिया गया था इसकी आवृत्ति क्या है, यानी कि यहाँ पर जो आवृत्ति ज्ञात होगी, और दूसरे में जो तरंग दैर्ध्य ज्ञात होगी, तो इस आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की सहायता से यहाँ पर हम लोगों को जो है कांच में इसकी चाल ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो इसमें हम लोगों को यहाँ पर तरंग दैर्ध्य दी गई है, यानी कि लेमडा, इसका मान दिया गया है 5890 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बदलेंगे तो 5890 × 10 की घात -10 मीटर, ये मीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लोगों को ज्ञात करना है आवृत्ति, तो आवृत्ति के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे न्यू बराबर c/λ। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें सी प्रकाश की चाल है, यानी कि 3 × 10 की घात 8, इसके बाद लेमडा, यहाँ पर ये यह हो जाएगा 5890 × 10 की घात -10, ये इतना आएगा। तो इसमें भी उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसमें से 3 जीरो या फिर 4 जीरो यहाँ से बाहर कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए 4 जीरो बाहर करने का मतलब 10 की घात 4 बाहर करना है, तो जब 10 की घात 4 यहाँ से बाहर करेंगे तो इसमें यहाँ पर 4 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि 10 की घात 4 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 10 की घात 4, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 14 इतना आएगा, और बटे में यहाँ पर 5890, यानी कि न्यू बराबर, जब इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 5.1 × 10 की घात 14, आवृत्ति है इसलिए सेकेंड इनवर्स, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड नंबर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों को जो है तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी थी जिसका अपवर्तनांक आपको दिया गया था, अपवर्तनांक यानी कि n का मान दिया गया था 1.5, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग तरंग दैर्ध्य मान लेते हैं अब लेमडा डैश, यानी कि कांच में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी, तो इसको मान लेते हैं लेमडा डैश, तो ध्यान दीजिए सूत्र होता है n = λ/λ', तो यहाँ से जब लेमडा डैश ज्ञात करेंगे तो एन बटे में आ जाएगा, यानी कि लेमडा डैश बराबर हो जाएगा λ/n। तो अब इसमें हम लोग मान रखेंगे लेमडा, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है यानी कि 5890, तो ये मान एंगस्ट्रॉम में ही रख सकते हैं आप, इतना हो जाएगा, और इसके बाद बटे में अपवर्तनांक यानी कि 1.5, तो लेमडा डैश बराबर, जब इससे यहाँ पर आप भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा यहाँ पर 3927, इस प्रकार से लगभग आ जाएगा, और ये मान भी यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य ज्ञात की है इसकी सहायता से कांच में चाल ज्ञात करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे चाल ज्ञात करने के लिए, वी बराबर न्यू यानी कि आवृत्ति, और गुणे तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा डैश। तो
तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें मान रखें यहाँ पर तो आवृत्ति ज्ञात किया गया है 5.1 × 10 की घात 14, ये मान ज्ञात किया गया आवृत्ति का। इसके अलावा यहाँ पर लेमडा डैश ध्यान दीजिए, तो ये मान यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में है, लेकिन आपको जब यहाँ पर मान रखना है तो ये मीटर में रखना है, यानी कि 3927 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -10, तो ये इतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसको हम लोग हल करेंगे यानी कि गुणा करके, तो इसका मान लगभग आएगा 2.0 और गुणे में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये आपको गुणा करके शुद्ध करके जब लिखेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक वर्णी प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्राम है 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, अपवर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान दीजिए, एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी गई है 5000 एंगस्ट्राम, यानी कि मान लेते हैं लेमडा का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, और अपवर्तनांक यानी कि एन का मान दिया गया है 1.5, और यहाँ पर हम लोगों को अपवर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा डैश ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा, इसका मान यहाँ पर दिया गया है 5000 एंगस्ट्राम, और इसमें यहाँ पर हम लोगों को लेमडा डैश जो है ज्ञात करना है। इसके अलावा अपवर्तनांक यानी कि एन, इसका मान दिया गया है 1.5, तो इसमें यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे एन बराबर लेमडा बाई लेमडा डैश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ से हम लोग लेमडा डैश ज्ञात करेंगे तो एन बटे में आएगा, यानी कि लेमडा बाई एन, इसमें जब मान रखेंगे तो लेमडा का मान हो जाएगा 5000 और बटे में एन का मान 1.5, 1.5 काट देंगे ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम लोग 15 से इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान लगभग आएगा 3333.3 एंगस्ट्राम, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा और ये मान यहाँ पर लेमडा डैश का होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्राम है, जल में इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3, तो यहाँ पर आपको लेमडा का मान दिया गया है यानी कि 4800 एंगस्ट्राम, एन दिया गया है 4/3, और यहाँ पर आपको लेमडा डैश ज्ञात करना है, जैसे अभी आपको इसके पहले का क्वेश्चन बताया गया सेम उसी प्रकार से इसे आप यहाँ पर हल करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है, तो यहाँ पर दिया गया था कि 10 किलोमीटर लंबे, तो यहाँ पर आपको दूरी एक प्रकार से बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर यस मान लेते हैं, यस का मान दिया गया 10 किलोमीटर, और यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश को कितना समय लगेगा, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर समय टी का मान ज्ञात करना है, और अपवर्तनांक यानी कि एन का मान आपको यहाँ पर दिया गया, और ये अपवर्तनांक द्रव का दिया गया, तो इसे आप एन लिक्विड यानी कि एन एल करके लिख सकते हैं, इसका मान 4/3। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें हम लोगों को लंबाई यानी कि दूरी कह सकते हैं, यस का मान दिया गया है 10 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10 की घात 3 मीटर, इसके अलावा द्रव का अपवर्तनांक दिया गया है यहाँ पर 4/3, इतना दिया गया है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर हम लोगों को समय यानी कि टी ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सूत्र होता है समय यानी कि टी बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि द्रव में प्रवेश कर रहे थे इसलिए यहाँ पर द्रव में चाल इतना लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर अब इसमें ध्यान दीजिए, यस इसका मान दिया गया है 10 × 10 की घात 3 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा वी एल इतना। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब सूत्र होता है एन बराबर सी बाई वी, तो यहाँ पर हम लोग द्रव के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर द्रव का अपवर्तनांक और द्रव में चाल इतना लिखा जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग वी एल ज्ञात करें तो एन एल इधर बटे में आ जाएगा, इस प्रकार से सी यहाँ पर प्रकाश की चाल है यानी कि 3 × 10 की घात 8 हो जाएगा, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4/3, तो 3 ऊपर पलट के चला जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ जाएगा वी एल बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 3 × 9/4 और × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये इतना आएगा। अब इस वी एल का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर टी बराबर 10 × 10 की घात 3 बट्टे में, यहाँ पर वी एल का मान जब रखेंगे तो 9/4 × 10 की घात 8 इतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 10,
ये पलट के ऊपर जाएगी संख्या, तो 4/9 और गुणे में ध्यान दीजिए ये 8 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 8 से 3 घटेंगे तो 10 की घात आ जाएगा -5 इतना। अब इसके बाद टी बराबर यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो 40/9 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात -5, 9 से इसको भाग करेंगे यहाँ पर तो 9 चौको 36, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे तो 9 चौको 36, अब यही आता रहेगा। इसके बाद गुणे 10 की घात -5 सेकेंड, तो ये समय हो जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।